नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। जन्माष्टमी का व्रत करके लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई भी व्रत बिना उद्यापन के पूरा नहीं होता। अगर आप भी जन्माष्टमी का व्रत करते हैं और आपको जन्माष्टमी के व्रत की उद्यापन विधि के बारे में नहीं पता, तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। जन्माष्टमी का ये पर्व इस साल 30 अगस्त 2021 के दिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए उपवास करते हैं और रात को 12 बजे ही अपना व्रत खोलते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं जन्माष्टमी व्रत उद्यापन विधि। जन्माष्टमी के व्रत की उद्यापन विधि की सभी तैयारियां एक दिन पहले ही कर लें। उद्यापन के दिन जल्दी उठें और नहाकर साफ वस्त्र धारण करें। वस्त्र धारण करने के बाद उद्यापन विधि का संकल्प लें और किसी विद्वान पंडित को जन्माष्टमी व्रत की उद्यापन विधि के लिए आमंत्रित करें। इसके बाद उद्यापन की सभी सामग्रियां जिसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए पंचामृत, दक्षिणा वृत्ति, शंख, पीले वस्त्र, बांसुरी, मोर पंख, फल फूल माला, गोपी चंदन, धनिये के पंजीरी का प्रसाद, चंदन और तुलसी होना जरूरी है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें तुलसी अवश्य हो। पंचामृत से स्नान कराने के बाद श्री कृष्ण को गंगा जल से फिर स्नान कराएं। पूजन के बाद भगवान श्री कृष्ण को फल फूल और सभी वस्तुएं अर्पित करें। सभी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के बाद श्री कृष्ण के मंत्र जाप करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी के प्रसाद का भोग लगाएं और आरती भी उतारें। श्री कृष्ण की आरती उतारने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। अंत में गाय को भोजन जरूर कराएं और श्री कृष्ण की छठी अवश्य पूजें, क्योंकि इसके बिना जन्माष्टमी के व्रत की उद्यापन विधि संपन्न नहीं हो सकती। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।